इस पर्टिकुलर रैप सॉन्ग के लिए बहुत ही ज्यादा हाइप है, तो लेट्स सी कि इतना क्या खास है इसमें। बट ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर टू सपोर्ट द ओरिजिनल क्रिएटर्स डार्क स्ट्रीट। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको आकाश का रिव्यू भी देखने मिलेगा, तो लेट्स स्टार्ट। स्टे सेफ स्टे होम, आई होप आप लोग भी ये फॉलो कर रहे हो। अपना दौर आएगा, स्टाइल अच्छा है वैसे वीडियो का। बीन है बंद क्योंकि टोकरी में सांप नहीं है, मैं सुपर से भी ऊपर होने वाला स्टार हूँ भाई। माइक को करके बातें चार करके स्टेज को मैं हिला दूंगा मेरा रैप करके। पांच से छह कभी सात से ले आठ तक, नलों में पानी नहीं है कराची में शार्ट सब। मुझसे कर बात अब, मैं हूँ तेरा बाप अब, हमें है बलोच साहब मुंह पे करते बात सर। सच से हमें न डर लगे, सौजन ऐसी बला जिसका कोई हल ना दे। करूंगा फ्री स्टाइल चाहे कोई भीड़ दे दे, मैं सुनता बस रैंप्स आग मेरा फ्लो फेंके मेरे मोबाइल में देख। पहुंचेगा मुकाम पे, मौत का पता नहीं है कब आए। फायदा उठा अपनी जान से, जान के किल को उल्टा मत ठोक। दिल को रख तू साफ वरना खुद पे है तू बोझ। मेहनत करेगा तू मिले तालियां भी बहुत। आगे वाला हुक मेरे साथ में तू बोल क्या। अपना टाइम नहीं अपना दौर आएगा, घड़ी को ना देख कुछ ना कर पाएगा। तू बैठेगा तो कैसे शोर आएगा, टाइम नहीं आता खुद ही लाना पड़ता। अपना टाइम नहीं अपना दौर आएगा, घड़ी को ना देख कुछ ना कर पाएगा। चुप बैठेगा तो कैसे शोर आएगा, टाइम नहीं आता खुद ही लाना पड़ता। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम थाउजेंड है और हमारा गाना आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें डार्क स्ट्रीट को, लाइक करें, कमेंट करें, आप लोग भी करें और मुझे सपोर्ट करें। थाउजेंड को सपोर्ट करें और आसिफ वाली को सपोर्ट करें, डार्क स्ट्रीट को सपोर्ट करें और कोरोना वायरस की वजह से घर में से बाहर नहीं निकले और घर में बैठ के हमारे गाने को इंजॉय करें और अपना ख्याल रखें। कोरोना वायरस की वजह से ये ना हो कि आपके फैमिली को किसी को नुकसान हो जाए और ये चीज़ का आप ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें और घर में रहें। गुड लक। मैं सिर्फ रैप के लिए ताली नहीं बजा रहा, मैं ये मैसेज के लिए भी, क्योंकि ये सिर्फ 8 साल का है। मैंने थाउजेंड का पहले भी एक रैप सुना हुआ है, आई थिंक 7-8 मंथ्स पहले सुना हुआ था, बट फिर भी शॉकिंग है यार, अभी भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा। मैं ये सेकेंड टाइम इसके कोई रैप पे रिएक्ट कर रहा हूँ, बट स्टिल मेरे दिमाग में वो जा रहा ही नहीं है कि वो सिर्फ 8 ईयर्स का है। 8 ईयर्स में इतना टैलेंट कैसे आता है? टैलेंट खाली नहीं, उसका फ्लो अच्छा था। फ्लो इतने यंग एज पे कैसे सीख लिया मुझे नहीं पता। वैसे इस पूरे रैप का बीट अच्छा था। आई डोंट थिंक पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई होगा जो इतने यंग एज पे इतना अच्छा रैप कर पाता होगा। तो पाकिस्तान में सीरियसली बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इंडिया में टैलेंट नहीं है, बट सीरियसली इस वीडियो ने मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया।
मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं जब 8 साल का था तब मैं क्या कर रहा था. डेफिनेटली इसके जैसा कुछ भी इम्प्रेसिव नहीं कर रहा था. एंड अभी 25 ईयर्स का होने के बाद भी ऐसा कुछ इम्प्रेसिव टैलेंट मेरे में नहीं है. इस रैप में मेरे दो फेवरेट लाइन्स यही थे, अपना टाइम नहीं अपना दौर आएगा, एंड टाइम नहीं आता खुद ही लाना पड़ता. दैट इज सो ट्रू. और ये बोलते बोलते जो अपना टाइम आएगा जो रैप सॉन्ग था उसका रोस्ट कर दिया. वैसे इसमें एक और रैपर जो यंग रैपर का नाम लिया गया है, मैंने नोटिस किया, नॉडी खान. मुझे पता है कि वो एक बहुत ही यंग इंडियन रैपर है, इसकी तरह ही काफ़ी यंग है. एंड इसमें एक लाइन है, मुझे ना समझ नॉडी खान. तो इन दोनों के बीच में कुछ बीफ चल रहा है क्या, वो मुझे नहीं पता. तो कमेंट्स में ज़रूर बताना इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई चल रही है क्या. आप लोग ने मेरा ओपिनियन तो जान लिया, अब सुनते हैं कि आकाश को कैसा लगा. मेरा नाम है आकाश और मैं जानता हूँ आप लोग काफ़ी मिस कर रहे हो मुझे और राज को. हमें एक साथ देखे हुए काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों को. खैर वो छोड़ो, डार्क स्ट्रीट 1000 यार, 8 साल का वो लड़का है यार, 8 साल का लड़का यार क्या रैप किया है. मैं पहली बार देखा तो मुझे नहीं पता था कि वो 8 साल का है. मुझे राज ने बताया कि यार वो 8 साल का है. यार मैं जब देखा उसको मैं बोला यार 8 साल का लड़का. यार मैं 8 साल की उम्र में था लेकिन मैं इतना कुछ नहीं, हाँ मैं क्रिकेट काफ़ी अच्छा खेलता हूँ पहले से. 8 साल की उम्र से मैं भी क्रिकेट से मतलब काफ़ी वाकिफ हूँ तो मैं भी खेल लेता था. लेकिन यार ये सबका अपना अपना अलग होता है. लेकिन यार इतना भी अच्छा नहीं खेलता था, खेल लेता था, इतना भी अच्छा नहीं खेलता था. लेकिन यार ये लड़का यार काफ़ी यार दिल को छू गया है ये लड़का यार. क्या मतलब जवाब ही नहीं है इसका कोई, मतलब जितना कहूँ उतना कम है. तो यार गॉड ब्लेस यू यार, सच में काफ़ी आगे बढ़ेगा ये लड़का अगर इसने ये करता रहा ना. मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यार. मुझे यार तब इतना छोटा लड़का यार, 8 साल का, इतना छोटा तो नहीं लेकिन 8 साल का ये लड़का है. मैं जब पहली बार देखा तो यार मैं सोच में पड़ गया. मतलब जब देखा तभी सोच में, मतलब जब राज ने मुझे बताया कि वो 8 साल का है तो मैं बोला यार 8 साल का यार, 8 साल का लड़का. तो राज बोलता हाँ भाई 8 साल का लड़का. मैं बोला यार माइंड गॉड यार, मतलब क्या कहूँ यार इसके लिए. वाकई में उसका आवाज़, उसका जो रैप था, अपना दौर आएगा और इंडिया में शायद से हाँ अपना टाइम आएगा. इंडिया में वो सॉन्ग आया था और उसने अपना रैप, अपना दौर आएगा. हाँ कमाल है यार, कमाल है. मतलब यार कराची से शायद से वो लड़का, पता नहीं था यार लेकिन बहुत सही है. मैं यार उसको है ना 10 में से 9 स्टार तो पक्का ही देना चाहूँगा. लेकिन चलो छोड़ दो, 10 के 10 ही स्टार दूँगा क्योंकि यार 8 साल का लड़का यार मतलब सोचते नहीं है यार हम कि इतना, इतने छोटी उम्र में यार. लेकिन बहुत सही यार, गॉड ब्लेस यू यार, काफ़ी तरक्की करो यार, आगे बढ़ो आप, हम यही चाहते हैं. बहुत अच्छा लगा, तो मिलते हैं फिर. और हाँ तो मैं और एक बार कहना चाहूँगा कि आप लोग काफ़ी मिस कर रहे थे मुझे और राज को. तो हम लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं यार कि साथ में एक साथ आ जाए, वापस मिले. लेकिन क्या है ना हर जगह पुलिस खड़ी है. तो वही डर से तो नहीं लेकिन वो भी अपने अच्छे के लिए कह रहे हैं. तो उससे अच्छा घर में रहे, तो मैं भी घर से ही बना के वीडियो भेज रहा हूँ. लेकिन बात यह है कि अब क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं. जैसे कि अभी लॉकडाउन जैसे हमारे वहाँ ख़त्म होगा, ख़त्म तो नहीं होगा अगर 2-4 दिन के लिए स्टॉप किया लॉकडाउन, तो काश मैं और राज एक साथ बहुत ज़्यादा वीडियो बना लेंगे. फिर 6-7 दिन के लिए वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर. तो ट्राई कर रहे हैं हम लोग भी. और हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार ये वीडियो जिसने नहीं देखा वो ज़रूर देखे यार, सपोर्ट करो यार. 8 साल का है वो लड़का, प्लीज़ उसको सपोर्ट करो प्लीज़. मैं चाहता हूँ, मेरे लिए तो कर देना प्लीज़, क्योंकि मैं चाहता हूँ क्या था तो आप लोग उसको सपोर्ट करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको सपोर्ट करो प्लीज़. अगर आप नहीं कर रहे हो तो मेरे लिए कर देना प्लीज़, ठीक है. मिलते हैं, बाय. 1000 जब रैप करता है तो ऐसा लगता है कि रैपिंग बहुत ही ईजी है क्योंकि वो सिर्फ 8 साल का है एंड स्टिल उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है. ब्रिलियंट यार, मैं सेकेंड टाइम देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम नहीं. तो फर्स्ट टाइम तो मैं टोटली शॉक था ही, लेकिन फिर भी यार 8 साल की उम्र में कैसे कर पा रहा है ये ऐसा.
इस बार भी मैं एग्जैक्टली उतना ही शॉक हूँ जितना फर्स्ट टाइम था. तो या ग्रेट जॉब. ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन. माय ग्रेट मैसेज, आप लोग घर पे ही रहो, बाहर अननेसेसरीली मत जाओ एंड अपना ख्याल रखो, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.